देश प्लस की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, एक और शख्स की मौत हो गई है। इस हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है, आंकड़ा बढ़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई देते हैं और ये दुखद खबर, एक और शख्स की मौत हो गई, एक और व्यक्ति की, एक और उस व्यक्ति की जो हिंसा में झुलसा उसकी मौत हो गई है और कुल अब तक आंकड़े की बात करें तो ये 39 पहुंच चुका है। और रोजाना जो मौत के आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं क्योंकि घायलों की संख्या पर हमें एक बार फिर से गौर करना होगा, क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में, 200 के करीब घायलों का आंकड़ा और इसमें आम आदमी पुलिस शामिल है। 39 मौत का आंकड़ा हो चला है। इन 39 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आप अपने स्तर पर सवाल पूछ सकते हैं, प्रशासन से, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि 39 मौतों का जिम्मेदार कौन है। शायद प्रशासनिक व्यवस्था पहले से दुरुस्त होती, पुलिस पहले से चौकन्ना होती, अंदेशा होता कि क्या हो सकता है, या पहले से कुछ एहतियात बरते जाते तो शायद यह आंकड़ा या शायद एक भी मौत नहीं होती। यहां तो एक मौत हो जाए उसमें सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन यहां 39 मौतें हो चली हैं। 39 मौतों पर सरकार से क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? दिल्ली हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी शांति है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सतर्कता। एक तरफ यहां पर CBSE की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इस हिंसा की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। तो SIT की टीम भी हिंसा की जांच के लिए गठित की गई है और इसके साथ ही ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में केस दर्ज हो गया है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पार्टी से भी निलंबित कर दिया गया, जो कि आम आदमी पार्टी के वो सदस्य थे, उनको हटा दिया गया आम आदमी पार्टी से। अब बता दें कि इस हिंसा को लेकर करीब 50 केसेस दर्ज हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मौत का आंकड़ा है वो 39 पहुंच गया। तो SIT बनाए गए हैं इस मामले में। इसके साथ साथ दूसरी तरफ, चूंकि बोर्ड के एग्जाम्स इन दिनों चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स तक रोकने पड़े हैं, उनको डिले कर दिया गया, उनको स्थगित कर दिया गया। आने वाले दिनों में एग्जाम्स होंगे, इसको लेकर भी पूछा जा रहा है CBSE से कि वो क्या कब एग्जाम्स करवाएंगे, किस तरीके से एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो बच्चों में भी बेचैनी है, लोगों में भी डर का माहौल है और ये भय का माहौल खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिसाल पेश करनी चाहिए दिल्ली के लोगों को। दिल्ली की जनता को पढ़ी लिखी जनता माना जाता है, सहमित जनता माना जाता है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा हुए हैं, उसे ऐसा लगा है कि एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है। दिल्ली की जनता को या दिल्ली के लोगों को जैसे कहा जाता है वैसे उस तरीके से वो पेश नहीं आए हैं, क्योंकि 39 लोगों की मौत हो जाना ये दर्शाता है कि हिंसक मानसिकता, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों ने यहाँ पर ये हिंसा की है और हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो दिल्ली हिंसा में मौजपुर वो इलाका था जो हिंसा से काफी प्रभावित था, लेकिन अब यहाँ के लोग अपने घरों से निकलने लगे हैं, पूरे इलाके को खोल दिया गया है, पहले की तरह अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी हिंसा में शामिल ना होने की अपील जरूर कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मौजपुर चौक पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सामने दो रोडें जा रही हैं जिनको पिछले 6 दिनों से बंद रखा गया था, लेकिन आज इस रोड को खोल दिया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से चालू हो गई है। पिछले 6 दिनों से रोड पूरी तरीके से ब्लॉक थी और पुलिस की जो टीमें थी लगातार यहां पे मुस्तैद बनी हुई थी, क्योंकि ये वही इलाका है मौजपुर जहां पर भारी हिंसा हुई थी और जिसमें कई लोग घायल हुए थे और कई लोग मरे भी थे। लेकिन ये ट्रैफिक व्यवस्था खुल जाने के बाद भी यहाँ पर पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल जो है वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। इसके लिए पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल की टीमें लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाल रही हैं और अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं। दिल्ली से वीरपाल के साथ मैं विवेक यादव, ABP गंगा। अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, जेल में बंद आजम से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। आजम खान को सुबह 5:30 बजे उठाया गया, सुबह 7 बजे आजम खान को नाश्ता दिया गया। आजम खान से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देते हैं। आजम खान जेल में बंद है और उसके पीछे की वजह है, एक तो लगातार इतने सारे केसेस में नोटिस के बाद भी गैर हाजिर रहना, फर्जी प्रमाण पत्र, और चूंकि जेल में बंद है सीतापुर की जेल में उनको शिफ्ट किया गया है, रामपुर की जेल से सीतापुर की जेल में उनको एक तो सुबह 5:30 बजे ही उठा दिया गया और उसके बाद 7 बजे उनको नाश्ता दिया गया,
खाने में आजम खान को दाल और चावल मिलेंगे तो अपनी पत्नी और बेटे अब्दुल आजम के साथ जेल में आजम खान बंद हैं, तो सांसद हैं आजम खान समाजवादी पार्टी से, उनकी पत्नी विधायक और बेटे की विधायकी तो चली गई है, लेकिन अब स्थिति यह है कि सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में एक कि हमारे देश की एक कानून की खूबसूरती कि आप किसी भी पद पर हो, आप कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, आप सलाखों के पीछे हैं तो आपके साथ सलूक एक जैसा ही होगा। और आजम खान का जो मैनुअल है, जो वो भी सामने आ गया, जो मेन्यू है वो भी पता चल रहा है कि खाने में उनको दाल चावल मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में वो सीतापुर की जेल में हैं। रामपुर से उन्हें सीतापुर भेजा गया था और इसको लेकर कोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा कि बिना कोर्ट से पूछे जेल बदली कैसे। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर जेल शिफ्ट की थी, जहां पर कल अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। दरअसल कोर्ट ने ये इसलिए पूछा क्योंकि आजम के वकील ने सीतापुर जेल में आजम की जान को खतरा बताया। बताते चले कि आजम को 8 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गए हैं, आज फिर से कई मामलों में सुनवाई होनी है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विधायकी रद्द कर दी गई है, जिसके बाद से अब रामपुर और उन्नाव में उपचुनाव होने हैं विधानसभा के। और बता दें आपको कि उन्नाव के बांगरमऊ से कुलदीप सिंह सेंगर की भी विधायकी जा चुकी है, जिसके बाद ये दोनों ही सीटें खाली हुई हैं। ग्रेटर नोएडा में सब इंस्पेक्टर की बदमाशों ने सरकारी पिस्टल छीन ली, जिसके बाद भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा में फायर किया। मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश दीपक को धर दबोचा गया है। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी और उसे हिरासत में ले लिया, और बदमाश पुलिस की पिस्टल लूट कर भागने की कोशिश कर रहे थे। और पुलिस ने बदमाश से बाइक और मोबाइल भी उसके पास से बरामद किया गया। तो ये इनामी बदमाश, 25,000 का इसके ऊपर इनाम था, ये पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सेना में भर्ती करने वाले ठग पकड़े गए। एसटीएफ ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है और सेना में भर्ती के नाम पर ये ठगी किया करते थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल टेस्ट में पास करवाने का ये झांसा देते थे, अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए लिया करते थे। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है, सेना में भर्ती करने के नाम पर ये पैसा लिया करते थे और ये मेडिकल टेस्ट में पास करवाने का झांसा दिया करते थे, लेकिन एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की है। और ये सेना के 2 जवान बताए जा रहे हैं जो कि फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को प्रवेश करवाते थे, पास करवाने का झांसा देते थे। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। संतोष, ये दोनों जवान कौन हैं, कहां पर तैनात थे, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करते थे, क्या झांसा दिया करते थे ये अभ्यर्थियों को? देखिए, ये दोनों ही सेंट्रल कमांड के जवान हैं जो उन अभ्यर्थियों को ठगने का काम करते थे, उनके साथ जालसाजी करते थे जो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते थे। मेडिकल टेस्ट पास कराने के नाम पर 2 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक वसूले जाते थे, और उसके बाद उनसे वसूली करने के बाद इसके लिए बाकायदा उनको मेडिकल टेस्ट में पास होने का वादा किया जाता था। इनके पास से तमाम अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, और जो अभ्यर्थी सबसे बड़ी बात कि जो बरामद हुए उनके दस्तावेज, उनकी भर्ती की प्रक्रिया लखनऊ और अमेठी के आसपास के जिलों के रहने वाले लड़के हैं, यानी कि लखनऊ के आसपास के सटे इलाकों से आ रहे जो लड़के सेना में भर्ती होने के लिए आते हैं उनके साथ ये ठगी कर रहे थे। फिलहाल यूपीएससीएफ ने इनको दबोचा, इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसका संतोष खुलासा कैसे हुआ, कैसे इनका खुलासा हुआ कि इस तरह की ठगी कर रहे हैं भीतर? देखिए, एक ऐसे ही एक शख्स ने यूपीएससीएफ से इस बात की शिकायत की कि एक सेना के जवान ने मेडिकल टेस्ट में पास कराने के नाम पर पैसे ले लिए और वो वापस नहीं कर रहा। ऐसी शिकायत के बाद जब यूपीएससीएफ की टीम लगाई गई, यूपीएससीएफ ने जांच की तो पता चला कि ऐसे तमाम ऐसे दर्जनों
युवक हैं जिनके साथ ये ठगी कर चुके हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई और अब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है लखनऊ के कैंट इलाके से। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये दोनों ही मेडिकल टेस्ट में पास करवाने के नाम पर 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लिया करते थे, उसके बाद न मेडिकल मिलता था और न इन अभ्यर्थियों के पैसे वापस मिलते थे। अब बस्ती से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां विधायक और डीएम आमने सामने आए। बीजेपी विधायक ने डीएम की शिकायत की है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, विधानसभा अध्यक्ष से डीएम की शिकायत की गई है और डीएम पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगाया गया और डीएम का नाम आशुतोष निरंजन बताया जा रहा है। तो रुधौली सीट से बीजेपी एमएलए हैं संजय जायसवाल, जबकि आशुतोष बताया जा रहा है डीएम का नाम। आमने सामने आ गए हैं, बीजेपी विधायक ने डीएम की शिकायत की है, विधानसभा अध्यक्ष से ये डीएम की शिकायत की गई। दरअसल आरोप लगे हैं कि डीएम विशेषाधिकार का हनन करें। इस पर विस्तार से सतीश ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, किस बात पर आमने सामने आए हैं विधायक और डीएम, आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, ये जो विधायक और डीएम के बीच अदावत शुरू हुई है, ये अभी बस्ती महोत्सव हाल ही में हुआ था। उसी में विधायक ने इस महोत्सव का विरोध किया और जिलाधिकारी पे आरोप लगाया कि जिलाधिकारी बस्ती के व्यापारियों से वसूली कर रहे हैं और उसके उस वसूली के पैसे से ये महोत्सव कराया जा रहा है। उसके बाद से ये अदावत चली आ रही है और उसी के बाद इस महोत्सव के बाद एक समाधान दिवस का आयोजन था रुधौली तहसील में और वहां पर जिलाधिकारी मौजूद थे। और जब वहां पर विधायक का कहना है कि जब वो तहसील दिवस में पहुंचे तो डीएम साहब खड़े नहीं हुए और इसी पर विधायक नाराज हो गए और उन्होंने इसकी विशेषाधिकार हनन की शिकायत सीधा विधानसभा अध्यक्ष से की है। और इसके अलावा जिलाधिकारी पर द्वेष भावना से उनके कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का भी सतीश कुछ एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, आमने सामने आ गए थे, आरोप बीजेपी पर भी लगे थे, आरोप डीएम पर भी लगे थे। तो इस बाबत में आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन क्या कोई प्रूफ, कोई फैक्ट रखा जा रहा है सामने, प्रूफ के नाम पर कुछ रखा जा रहा है या फिर हवा हवाई और बातों नहीं ये आरोप है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी के खिलाफ जो एक वीडियो है, जिलाधिकारी जो बैठे हुए थे तहसील दिवस में और वो खड़े नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने उस पूरे तहसील दिवस में राजनीतिज्ञों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सीधा विधायक पर एक तरीके से उन्होंने इंगित किया था। इसी को लेकर विधायक ने जो वीडियो है उसी वीडियो के आधार पर विधायक ने सीधा विशेषाधिकार हनन का शिकायत किया है। इसके अलावा जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अगर उनसे पूछा जाता है कि क्या मामला है तो वो जरूर अपनी बात रखेंगे। तो अभी विधायक और जिलाधिकारी के बीच जो ये टसन चल रहा है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डीएम विधायक के अवैध कामों पर कार्रवाई कर रहे हैं और जिलाधिकारी लगातार सदन में और विधानसभा में मुख्यमंत्री से डीएम आशुतोष निरंजन के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। जी सतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आशुतोष निरंजन जो कि डीएम है, अब एक्चुअली उनका आरोप ये है कि तहसील दिवस पर एक कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, पहले तो स्वागत में बताया जा रहा कि खड़े नहीं हुए, उसके बाद जब संबोधन हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठाए, मौजूदा जो विधायक वहां से हैं उन पर आरोप लगाए और विधायक कोई बात नागवार गुजरी, उसका वीडियो उनके पास आया, वीडियो देखा तो उनको लगा कि उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में उन्होंने उनका ये कहना है कि डीएम विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं और ऐसे में उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और ऐसा अब कहा जा रहा है कि जब से ये एक्शन बीजेपी के विधायक ने लिया उसके बाद से डीएम भी लगातार एक्शन में वहां दिख रहे हैं। बहराइच में धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का क्रूर चेहरा सामने आया। यहां पर एक निर्दयी डॉक्टर की वजह से मरीज तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर ने इसकी कोई परवाह नहीं की। असल में यहां पर इलाज के अभाव में एक प्रसूता ने अस्पताल परिसर में बच्चे को जन्म दे दिया। महिला तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसे स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल के भीतर जाने की जहमत तक नहीं उठाई। बाद में रात ज्यादा होने के कारण डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से भी मना कर दिया। ये शर्मनाक वाकया सामने आया बहराइच से, जहां पर अस्पताल परिसर में आप देखेंगे कि वो डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं वहां पर मौजूद हैं और देखिए अस्पताल के बाहर ही हो रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि अस्पताल के बाहर ही हो रहा है, अस्पताल के भीतर तक कोई उनको नहीं लेकर जा पाया। जो मानवीयता की भावना है वो भी यहां पर ऐसा लगता है कि मर गए हैं, कि लोग आसपास घूम रहे लेकिन कोई जहमत नहीं उठाता कि अस्पताल के भीतर ले जाएं, स्ट्रेचर मुहैया करवाएं।
कौशाम्बी से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 5 साल की मासूम की हत्या की गई, रिश्तेदार ने ही बच्ची का कत्ल किया है। खेत में मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अब पुलिस पहुंची है 5 साल की इस मासूम बच्ची का कत्ल के मामले में, पुलिस अब जांच कर रही है। ये कोखराज के बमरौली के घटना है जहां पर एक 5 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया गया और आरोप किसी और पर नहीं, हत्या आरोप रिश्तेदार पर ही लग रहा है कि रिश्तेदार ने ही 5 साल की बच्ची का कत्ल किया है। बच्ची का जो शव है वो खेत में पड़ा मिला है। श्रावस्ती में नेपाल सीमा पर हिरण की खाल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो उसे बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिरण तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर के कब्जे से हिरण की खाल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताए जा रहे, ये पकड़े गए है। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको देते हैं। रोटोमैक मालिक पर सीबीआई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। विक्रम कोठारी और उनके बेटे पर एक और केस दर्ज हो गया है। इलाहाबाद बैंक डीजीएम ने शिकायत की और उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बैंक लिमिट के जरिए फर्जीवाड़े का उन पर आरोप है। साल 2018 में 3600 करोड़ के बैंक फ्रॉड का उन पर केस भी है और ये वाकये तब सामने आए थे जब नीरव मोदी का केस चल रहा था। इसके साथ साथ विजय माल्या विदेश भाग चुका था और उसके बाद एक के बाद इस तरह के केसेस सामने आए और इस पर संतोष शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी जो है देंगे। संतोष, विक्रम कोठारे पर पहले ही केस चल रहा है, 3600 करोड़ के फर्जीवाड़े का बैंक फ्रॉड का एक केस है, अब नया जो केस जुड़ा है ये किस तरह का है? देखिए, जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक को विक्रम कोठारी ने अपनी कंपनी में लिमिट से ज्यादा लोन उठाने के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक और वह तमाम अन्य 8 बैंकों को चूना लगाया था, उसी कड़ी में अब इलाहाबाद बैंक डीजीएम अमरजीत सिंह ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी और सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। ठीक उसी तरीके से इलाहाबाद बैंक की जो लिमिट थी इनके लोन की, उससे ज्यादा की लिमिट था, इन्होंने लोन उठाया और उसके बाद से बैंक की जो मॉर्गेज रखी गई थी संपत्ति, वो तमाम अन्य जगहों पर भी मॉर्गेज रख कर दी गई थी। तो इसी तरीके की जो ठगी के जो आरोप पंजाब नेशनल बैंक के साथ लगाए गए थे, वही अब रोटोमैक कंपनी के मालिक के विक्रम कोठारी और उनके बेटे के ऊपर इलाहाबाद बैंक ने भी लगाए, उसी में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। पहले से सीबीआई और ईडी शिकंजा कर चुकी है, ये जेल में है, उनसे पूछताछ की गई, तमाम संपत्तियों की जांच की गई और अब पंजाब नेशनल बैंक के बाद इलाहाबाद बैंक की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बैंक फ्रॉड के ही केस, लिमिट से ज्यादा बैंक लोन लेने का मामला और इस मामले में अब एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। तमाम सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग नहीं रुक रही है। आगरा से फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ पर शादी का जश्न चल रहा था, पंडित जी पूजा करवा रहे थे, तभी जोश में आकर एक शख्स ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वीडियो थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र का बताया जा रहा है। शादी के बीच में किस तरह से फायरिंग चल रही है, किस तरह से फायर किया जा रहा है। तो शादी के बीच में फायरिंग और उसके बाद इस फायर करने वाले का हौसला ऐसे बढ़ाया जाता है कि क्या बात है, उसने क्या फायर कर दिया। सुनिए आप। भैया जी, अब उन्नाव से बड़ी खबर। उन्नाव में कंपोजिट ग्रांट घोटाले की जांच, प्रदेश भर में कंपोजिट ग्रांट की जांच की जाएगी। डीजी स्कूल एजुकेशन ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। पिछले 3 साल में फंड की जांच होगी, जो पिछले 3 सालों में फंड भेज चुके हैं उनकी जांच होगी सितंबर में। दरअसल सितंबर से चल रही जांच में अब तुरंत रिपोर्ट मांगी गई है। कंपोजिट ग्रांट घोटाले में उन्नाव के डीएम फंसे थे, ऐसे में अब बताया ये जा रहा है कि प्रदेश भर में ही कंपोजिट ग्रांट की जांच होगी, यानी कि 3 सालों के भीतर जो फंड भेजा गया है वो फंड आप बताना होगा अधिकारियों को कि कहां कहां कितना कितना खर्च किया है, यानी कि नहीं बच सकते। ऐसे में चूंकि उन्नाव से मामला सामने आया था और अनियमितता लापरवाही नजर आई, तो ऐसे में हो सकता है कि सही
बाकी जिलों में भी ये बढ़ता क्या हो। शैलेश सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेश, सबसे पहले तो जो कंपोजिट गांड घोटाला है इसकी जानकारी दर्शकों को दें, और अब जो निर्देश दिए गए हैं, अब जो पत्र लिखा गया है सभी डीएम को, इस पत्र में क्या है, क्या निर्देश है? राजीव, देखिए, उन्नाव में मामला सामने आया था कंपोजिट ग्रांट का जो घोटाला था। सरकारी जो कक्षा एक से लेके आठ तक के स्कूल हैं, वहां के हालात सुधारने के लिए कंपोजिट ग्रांट एक थी जो दी जाती थी। कहीं पर जैसी स्कूलों की जरूरत होती थी, कहीं पर इससे टाइल्स का काम होता था, कहीं पर अवस्थापना सुविधाओं से जुड़े हुए काम पूरे कराए जाते थे। वजह थी कि कैसे सरकारी स्कूलों की तस्वीर को बदला जाए। लेकिन इस ग्रांट के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव के डीएम रहे देवेंद्र पांडे को निलंबित भी किया, उनके खिलाफ जांच के आदेश भी हो चुके हैं। अब क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो पहले से ही इस बात की आशंका थी, उसको कहीं ना कहीं के ग्रांट के नाम पर खेल हो रहा है, इसीलिए सितंबर 2019 से ही इसे लेकर अलग अलग जिलों को पत्र लिखे जा रहे थे। लेकिन जिलों से अभी तक जो सूचनाएं है वो भेजने में कहीं ना कहीं देरी की जा रही है। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी है कि अन्य जिलों में भी इस तरह से खेल किया गया है और ये खुलासा ना हो, इसलिए जांच को इतना धीमा किया गया। लेकिन अब उन्नाव का मामला खुलने के बाद, पुष्ट होने के बाद, डीडी स्कूल एजुकेशन जो है विजय किरण आनंद, उनकी तरफ से सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इस जांच को पूरा कराया जाए। अगर पिछले तीन साल की बात की जाए तो 2202 करोड़ से ज्यादा का बजट अलग अलग योजनाओं में प्रदेश भर में दिया गया है। बहुत बड़ा बजट है राजीव ये, और ये बजट जो दिया गया, ये समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग जो अपनी तरफ से देता है उनके नाम पर है। इसमें केंद्र का पैसा भी है, राज्य सरकार का पैसा भी है, और ये बजट दिया गया इसीलिए कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदले। लेकिन यानी कि मकसद था तस्वीर बदले सरकारी स्कूलों की, लेकिन तस्वीर बदलना तो दूर, यहाँ पर अधिकारियों ने फर्जी बाड़ा करके अपने घरों की तस्वीर बदलनी चाहिए, लेकिन चूंकि उजागर हुआ है मामला, तो ऐसे में आप सभी डीएम को ये पत्र भेजा गया कि आप भी जांच करें। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हाई अलर्ट।